अल्लाह सुन रहा है, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी, इनके पास इनकी दौलत है लूटी हुई। अगर इनकी दौलत कौम वापस ले आओ, मेरा दिल कह रहा है। मुझे आज खान साहब ने और जहांगीर तरीन ने इजाजत दी है कि मैं मंडे या ट्यूसडे को, ये कहते हैं मुझे निकाला क्यों है, तेरे करतूत ही ऐसे थे। रोज मैंने नवाज शरीफ खानदान को कहा इसको अकेला मत सोने दिया करो, इसका ज़हनी तवाज़न खराब हो चुका है, ये नफ्सियाती मरीज हो चुका है। दीवार की तरफ देख के कहता है मुझे निकाला क्यों है, खिड़की से निकलता है मुंह कहता है मुझे निकाला क्यों है। और तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, बेईमान हो, करप्ट हो, कमीशन खोर हो, तुमने इस मुल्क की दौलत को बाहर मुंतकिल किया है। सारी कौम पांच जजेस को सलाम पेश करती है। और बोला गुलभूषण यादव का नाम लेते डरता है, ये इस मुल्क का वजीर आजम है। अब कहते हैं 62-63, अगर लोगों सुनो सिंध वालों, अगर 62-63 बदल गई, मेरा नाम नवाज शरीफ रख देना, मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। ये मुल्क आइन कानून और कुरान के नाम पे। अमेरिका से डरते हो, पाकिस्तान के मुसलमान का अलमान का ईमान है कि सुपर पावर अल्लाह की जात है। सुपर पावर कौन है? हुआ अमेरिका तेरे साथ वेनेजुएला में, क्या हुआ हो ची मिन्ह में, क्या हुआ सीरिया में, क्या हुआ ईरान में। और मोदी सुन लो, अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली नजर से देखा तो ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बचेगी, सुनो, ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना घास उगेगी, ना चिड़िया चहकेंगी। और असम के बॉर्डर तक जो किसी वक्त नहीं था, आज सारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। और अरबों रुपए का आखिरी जुमला कह के सिंधियो, मेरा तुमने दिल खुश कर दिया। सखर वालों मैं तुम पे कुर्बान, सखर वालों मैं तुम पे कुर्बान। जिस तरह इमरान खान ने और जहांगीर तरीन और शाह महमूद ने मुझे इजाजत दी है, परसों मैं हुदैबिया का केस या तरसों सोमवार को दाखिल करूंगा। इमरान खान के पीछे पीछे मैं भी वकील बन गया हूं, मैंने कोई केस नहीं लड़ा, अल्लाह वकील है। अल्लाह की तरफ से नवाज शरीफ पकड़ में आया है। सिंध के लोगों, आप बहुत अजीम लोग हैं, इन चोरों के खिलाफ, इन लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ हिम्मत करो।